हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दर्शी शिव विद्यापीठ स्कूल सागरताल ग्वालियर। लेट्स स्टार्ट अवर इंग्लिश क्लास चैप्टर 2 बेस्ट फ्रेंड्स। टॉपिक्स: लर्न वर्ड मीनिंग्स, लर्न अबाउट द स्टोरी, राइट एंड लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर। वर्ड मीनिंग्स: बडीज, क्लोज फ्रेंड्स, मूव टू चेंज पोजिशन और प्लेस, डिस्कस टू स्पीक टूगेदर अबाउट, punctured with a small hole that result in air escaping. Let's start our story. This is the overview of story. The story is about true friendship. The story revolve around best friends Ginny and Posy. ये story true friendship के बारे में है और Ginny और Posy के इर्द गिर्द ये story घूमती है। They were best buddies. वो दोनों best friends हैं। Their house were opposite each other. They were in the same class, same school and in the same class and they went to school on the same school bus. उन दोनों के घर opposite side में हैं। वो दोनों एक ही school में पढ़ते हैं, एक ही class में पढ़ते हैं और एक ही bus से school जाते हैं। They were inseparable and spend all their time together. वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना inseparable time स्पेंड करते हैं। वन डे Posy मॉम टोल्ड हिम दैट Ginny वॉज मूविंग टू मुंबई। एक दिन Posy की माँ उसे बताती है कि Ginny मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं। एट फर्स्ट Posy वॉज अपसेट। सबसे पहले वो अपसेट हुआ, बट Ginny एक्सप्लेन्ड हिम दैट दे वुड बी इन टच विद ईच अदर थ्रू ईमेल्स, लेटर, वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। लेकिन Ginny उसे एक्सप्लेन करती है कि हम लोग एक दूसरे के टच में रह सकते हैं ईमेल, लेटर, वीडियो कॉल्स के जरिए। Posy फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग हिज बेस्ट फ्रेंड। Posy काफ़ी बेटर फील करता है उससे मिलने के बाद। फॉर अ फेयरवेल द फॉलोइंग मंथ एवरीवन फ्रॉम द नेबरहुड गैदर्ड फॉर अ फेयरवेल पार्टी फॉर Ginny's फैमिली। अगले महीने सारे नेबर्स जो होते हैं वो Ginny के फेयरवेल पार्टी में जाते हैं। Posy गेव अ सरप्राइज टू Ginny। Posy एक सरप्राइज देता है Ginny को। ही मेड अ हग कलेज ऑफ देयर ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड ऑल्सो गिफ्टेड हर अ बॉक्स फुल ऑफ द गिफ्ट Ginny हैड गिवन हिम। वो एक कलेज तैयार करता है फोटोग्राफ्स का, जिसमें उनकी ओल्ड फोटोग्राफ्स होती हैं और एक गिफ्ट दे और गिफ्ट जो देता है उसमें बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। Ginny बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है टू सी द गिफ्ट को देखकर। लेटर इन द स्टोरी Ginny वेंट टू मुंबई विथ हर पेरेंट्स। थोड़ी देर बाद स्टोरी में Ginny मुंबई चली जाती है, बट Posy एंड Ginny कंटिन्यू बी टू बी इन टच एंड रिमेन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर अ रेस्ट इन देयर लिव्स। लेकिन Ginny और Posy अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप जो होती है उनकी उसे कंटिन्यू रखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन: वेयर डिड Ginny समटाइम्स स्टे आफ्टर स्कूल? होम डिड Ginny मम्स कॉल? व्हाट सिटी डिड Ginny's फैमिली मूव टू? व्हाई वॉज Posy अपसेट? हाउ डिड Ginny मेक Posy फील बेटर? How did Posy surprise Ginny at the farewell party? Answers: Ginny used to wait at Posy's house after school whenever her grandparents were not home. Ginny's mom called Posy's mother to tell her that they were moving to Mumbai as Ginny's father was transferred to the Mumbai branch of the bank that he worked for. Ginny's family moved to Mumbai. Posy was upset because his best friend was leaving Delhi and shifting to Mumbai. Ginny said to Posy that they would always remain best friends. She told him that they would be in touch with each other and discuss their studies, friends, games, etc. They would write letter to each other and discuss everything. Posy prepared a card for his best friend with an I will miss you message and gifted her a hug blue box
full of gifts. The box contains all the gifts and photographs that Guinness had gifted Posy through the years. Homework. Learn and write questions and answers in your notebook. If you have any queries, any question, you can ask me. Thank you for watching.